तुर्गत अलप ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में तुर्गत अलप का किरदार निभाने वाले इस जवान का असल नाम सेंगिज कोस्कॉन है। सेंगिज कोस्कॉन 29 अप्रैल 1982 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए। इनके वालदैन का ताल्लुक बल्गारिया से है जो किसी वक्त सल्तनत उस्मानिया के एक शहर था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद इनके खानदान ने इस्तांबुल हिजरत कर ली और इनकी पैदाइश तुर्की में हुई। इन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर का आगाज साल 2005 में शुरू किया। इन्होंने अब तक बहुत सारे तुर्किश ड्रामों और फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनको शोहरत ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी से मिली। इस ड्रामे में इनके किरदार का नाम तुर्गुत है, जो अपने सरदार अर्तुगरुल का बहुत ज्यादा वफादार दिखाया गया है। ये अपने सरदार अर्तुगरुल गाजी की हर वक्त हिफाजत करता है और अर्तुगरुल गाजी के साथ बहुत सारी जंगें लड़ता है और बहुत सारे इलाके फतह करता है। अर्तुगरुल गाजी एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और ये हकीकत पर मबनी है। नाजरीन, इस ड्रामे को इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है और सेंगिज कोस्कॉन की अदाकारी को बहुत पसंद किया जा रहा है। इनकी लाजवाब अदाकारी की वजह से इनकी फैंस फॉलोइंग में भी मजीद इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए इनकी हकीकी जिंदगी की तो आपको बता दें कि सेंगिज कोस्कॉन अभी तक सिंगल हैं, इनकी शादी अभी तक नहीं हुई। एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे शादी के बारे में सवाल किया गया तो इनका कहना था कि मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। नाजरीन, एक इंटरव्यू के दौरान सेंगिज कोस्कॉन ने बताया कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में काम करने के लिए इन्हें जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा वो था घोड़ा चलाना। इनका कहना था कि मुझे 3 महीने लग गए थे एक अच्छा घोड़सवार बनने में। नाजरीन, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में इनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह इनका हाथ में कुल्हाड़ा उठाकर जंग करना है। इन्होंने बहुत ही महारत के साथ कुल्हाड़े से एक्शन सीन्स किए, जिसकी वजह से नाजरीन की तवज्जो तुर्गुत अलप पर मरकूज हुई और तुर्गुत अलप यानी सेंगिज कोस्कॉन इस वक्त करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।